नमस्कार सभी को। अभी हम लोग मिल्की मशरूम के लिए केसिंग प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए ये बालू है, ये रेत है, ये आपका जो नदी है, नदी का बालू है। इसमें थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, सिंपल बालू है जो कि आपको सीमेंट के साथ मिला के अक्सर घर बनाया जाता है। अभी ये होगा आपका 70% वेट होगा इसका। जैसे कि ये अगर 7 kg है तो वो हमें यूज करना है 1 kg, तो हमने उस हिसाब से इतना रेशियो इसमें वजन कर रखा है। अब इसको मिलाइए। अब ये देखिए क्या है, ये आपका केचुआ सार है, ये केचुआ सार है, ये बहुत ही उत्तम है आपके मशरूम के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये केचुए के द्वारा बनाया जाता है, गोबर को इसमें प्रयोग किया जाता है। इसको अच्छे से मिक्सिंग करना है। अभी इसको एकदम अच्छे से मिक्सिंग कर देना है। ये हम लोगों को 13वें दिन में कर लेना रहता है मिल्की मशरूम, 15 दिन तक ऑलमोस्ट जितना भी वो रेडी होगा उसके बाद हमें उसको केसिंग कर देना है। देखिए इसको अच्छे से मिक्सिंग बना देना है। दैट्स इट, इतना सिंपल। अभी हम इसको थोड़ा सा प्यूरीफाई करेंगे। प्यूरीफाई करने के लिए इसमें हम चूना मिला सकते हैं पर्याप्त मात्रा में, या सिंपल फॉर्मेलिन से भी हम इसको प्रेशराइज कर सकते हैं। अभी हम इसमें चूना पाउडर मिक्स करेंगे। लगभग 500 ग्राम जैसा चूना सफिशियंट रहेगा। ये टोटल वेट इसका 10 kg है। इसमें हमने 1 kg केचुआ सार यूज किया है और 7 kg हमने इसमें बालू यूज किया है, जो नदी का बालू रहता है, मिट्टी रहता है। बस अभी इसको अच्छे से मिला लीजिए। दोस्तों मिल्की मशरूम समर सीजन के लिए बहुत ही अच्छा है। 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी टेम्परेचर हो आपका मिल्की उतना ही अच्छा होगा। मिल्की कई वैरायटीज के होते हैं, माइक्रोसाइबिया होता है, कैलोसाइबिया होता है। मार्केट में जो है, जो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं मिल्की, दैत्य आकार के, गदा जैसा बड़ा, उनका डिमांड कम है। जो छोटे छोटे होते हैं, ऑलमोस्ट बटन जैसे दिखते हैं, मीडियम साइज के रहते हैं, उनका डिमांड अच्छा है, उसका प्राइस भी ज्यादा अच्छा है। तो आपको स्पॉन सिलेक्शन में ऑब्वियसली ध्यान रखना है, पता करना है लेबोरेटरी से कि ये कौन सा कल्चर है, इसका मिल्की कैसा बनता है, ये ऑब्वियसली आप वेरीफाई कर लीजिएगा। आप लोग हमें भी डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, हम लोग अपने एंड से आपके रिक्वायरमेंट हिसाब से